अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक लोटा पानी, पांच बेल पत्र, एक शमी पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। सात दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले, पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। पांच बार, तीन बार, सात बार, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं। फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी। दो तीन चार बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना छोड़ना मत। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही, बीच में नहीं छोड़ना।